कौन विधायक होगा इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? माननीय राजेंद्र शुक्ला जी 70,000 वोटों से जीत के विधायक बनेंगे इस बार। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा रीवा के विधायक का? बिल्कुल नहीं होगा। आपकी सरकार ने शिक्षा रोजगार पर क्या कार्य किया है? नहीं, जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, हमने विश्वविद्यालय खुलवा दिया, ये खुलवा दिया, वो खुलवा दिया, तो कितने शिक्षक यहाँ हैं, कितने विद्यार्थी हैं? अगर मैं गरीब हूँ तो मैं तो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन सरकारी विद्यालय की शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या सड़क बनाने से विकास माना जाएगा? आप तो वो गड्ढों के राजा, उजाले के दुश्मन, बिजली नहीं रहती थी, केवल बिल भर आते थे। लड़की की शादी जब होगी तो उसके महीना 15 दिन पहले गतिविधि बढ़ जाएगी। लोग पार्लियामेंट में कांग्रेस के लोग माला पहन के जाते थे प्याज का प्रदर्शन करके। प्याज, टमाटर, ये ऐसी चीज़ें, मौसमी चीज़ें हैं। रोजगार जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसी तरह से रोजगार मिलेंगे। और बाकी जो है, सरकार ने, ये सही है कि पद बहुत सारे खाली हैं, भर्ती नहीं किया है। ये क्या कारण ऐसा रहा जो उनको जब 2 महीने बचते हैं तब उनको मंत्री बनाया जाता है? ये रीवा की उपेक्षा हुई है। रीवा विधानसभा से इस बार चुनाव का माहौल खिंच चुका है। रीवा विधानसभा में इस बार कौन विधायक होगा इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? माननीय राजेंद्र शुक्ला जी 70,000 वोटों से जीत के विधायक बनेंगे इस बार। ये आप किस गणती हिसाब से बता रहे हैं? ये जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा, वो 12-13 हज़ार वोटों में बुक हो जाएगा। विकास के आधार पर हम बोल रहे हैं। 2003 से लेके अभी तक बीजेपी की ही शासन रहा है हमारे रीवा में, तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा रीवा के विधायक का? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और काम के दम पर जनता के बीच में जाती है और जनता उसको 2003 से लगातार आशीर्वाद दे रही है और फिर इस बार तो भाजपा के पक्ष में जनादेश। आपकी सरकार ने शिक्षा रोजगार पर क्या कार्य किया है? अद्भुत काम हुए हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ 2-2 विश्वविद्यालय, अभी हाल ही में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने रखा, और इसके पहले पत्रकारिता जगत में पत्रकारों के लिए एक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय दिए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत तो क्या विश्व निश्चित रूप से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये सारी बातें हैं तो ठीक है, उसके साथ साथ हमें भवन भी अच्छा चाहिए, उसके साथ ही माहौल बनाना पड़ता है। तो गांव पंचायतों में हर जगह प्राथमिक विद्यालय खुले हैं, उनकी क्या स्थिति है? प्राथमिक विद्यालयों की भी स्थिति लगभग ठीक है। जहाँ कुछ गड़बड़ है तो वहाँ सुदूर के क्षेत्रों में है, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में वहाँ भी स्थिति मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप प्राथमिक शाला आसपास जाएंगे, आसपास की पंचायतों पर उनके जर्जर भवन है, जर्जर भवन पड़े हुए हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, कुछ कहीं जर्जर भवन होंगे, लेकिन लगभग अच्छी बिल्डिंगें सभी स्कूलों में हैं। अब आप देखिए, 40 करोड़ 45 करोड़ के सीएम राज्य स्कूलें खुल रही हैं, तो ये भी स्कूल शिक्षा में एक बड़ी क्रांति है। तो हमको पहले बेसिक शिक्षा मजबूत करनी चाहिए या विश्वविद्यालय बना देना चाहिए सीधे? निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा के माध्यम से ही उच्च शिक्षा का रास्ता तय होता है। 5 साल का बच्चा है, उसको तो हम विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे नहीं। आपके बगल में एक प्राथमिक विद्यालय, इसमें कितने बच्चे आते हैं? आप तो वहाँ के शिक्षक ही बता सकेंगे कितनी छात्र संख्या है। नहीं, जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, हमने विश्वविद्यालय खुलवा दिया, ये खुलवा दिया, वो खुलवा दिया, तो कितने शिक्षक यहाँ हैं, कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, वो तो वहाँ का आंकड़ा वहाँ के हेडमास्टर या वहाँ के शिक्षक ही बता पाएंगे। जैसे निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि इतने वोट से हमारे नेता जीतेंगे, तो वो विकास के दम पर कह रहे हैं। आज आप देखिए कि रीवा विकास का पत्तो वहीं से तैयार होगा। आप आज देखिए कि रीवा एजुकेशन हब बन चुका है। आप उसकी स्कूलों में जाकर देखिए कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था रीवा में मुहैया कराई जा रही है। कुछ भी जगह नहीं है। सरकारी विद्यालय आप देख लीजिए, अगर मैं गरीब हूँ तो मैं तो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन सरकारी विद्यालय की शिक्षा की स्थिति क्या है? लगभग स्थिति ठीक है। जहाँ गड़बड़ है तो उसको भी सुधारा जाना चाहिए। जब दो आज का हर युवा वर्ग नशे पर है, नशा नहीं रुक रहा है, सबकी जानकारी पे सह पे नशे का व्यापार फल फूल रहा है, गांजा हो गया, कोरेक्स हो गया, सब बकायदा बिक रहा है, जो इस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, और लगभग लग रही है, लगी है। और ये तो देखिए कि जन क्रांति, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक इस पर तो जन आंदोलन कैसे बनेगा? ये पार्टी विशेष से बनेगा या कि आम जनता से बनेगा? इसमें हर आदमी को नशा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना चाहिए, और उसमें नशा के विरुद्ध सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष नशे के खिलाफ आम जनता आवाज उठाती है। अब विपक्ष का जनता से मोह भंग है तो विपक्ष कहाँ तक रहे? और दृष्टिकोण में देखिए, और बहुत सारे काम है। आप रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम देखिए, आप रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उससे हमारा क्या फायदा है? कहे सांस्कृतिक क्षेत्र में एक अच्छा भवन तो आपके यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, थिएटर होता है, तो कितने लोग रीवा शहर के लोग देखने जाते हैं? मैक्सिमम लोग जाते हैं। आप देखिए, वहाँ ऑडिटोरियम में जगह नहीं रहती, बाहर लोग खड़े रहते हैं। थिएटर मतलब जो
जो लोग थिएटर करते हैं, नाटक होता है, बड़े बड़े लेखक हैं, उन सब की रचनाओं पर जो होता है उसमें कितने लोग देखने जाते हैं? बहुत ज़्यादा तो फुल रहता है बाहर, हमने तो कभी नहीं देखा बाहर, हम तो हमेशा देखे हैं और अपना अपना नज़रिया देखने के। अच्छा, जैसे इसके पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उनकी कार्यशैली क्या रही और वर्तमान स्थिति में क्या कार्यशैली है, क्या परिवर्तन आया है अपने प्रदेश में? उस समय एक नारा लगता था दिग्विजय सिंह के ज़माने में जब मुख्यमंत्री थे, तो वो गड्ढों के राजा उजाले के दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। बहुत सही, बहुत सही। तो अब ये कहानी बन गई, लेकिन उस समय ये नारा लगता था। बिजली नहीं रहती थी, केवल बिल भर आते थे। अब कब से कब 24 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा बिजली रहती है गांव से लेकर शहर। और बहुत तेज़ बढ़ा था, जहां पे टमाटर का भाव 200 के करीब हो गया था, पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, और गरीब तो गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहां तक टमाटर के भाव की बात है, 2009 में अटल जी की सरकार थी, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप बताइए कि चुनाव कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये प्याज बताएगी। उस समय प्याज बहुत महंगी हो गई थी, लोग पार्लियामेंट में कांग्रेस के लोग माला पहन के जाते थे प्याज का प्रदर्शन करके। प्याज, टमाटर ये ऐसी चीज़ें, मौसमी चीज़ें हैं, कभी प्राकृतिक आपदा आ गई तो नष्ट हो गया, तो बाज़ार में जब नहीं है तो नहीं महंगी हो जाएगी। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि टमाटर ऐसी चीज़ है कि जो प्रकृति पर निर्भर है, तो इसको ये नहीं कह सकता कि इसके कारण भाजपा के कारण प्याज महंगी हो गई या टमाटर महंगा हो गया। नहीं, जैसे गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब नहीं गरीब हो रहा है, गरीब जो है तो जीवन स्तर उसका बहुत ऊंचा उठा है। पहले नरक का जीवन जीते थे, अब सामान्य आदमी की तरह सबको खाना मिल रहा है, सबको दवाई मिल रही है, अब क्या चाहिए, सब कुछ मकान मिल रहा है। आप रोजगार पर क्या कहेंगे, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन अपने यहाँ बघेली में कहावत है कि जनमन के घूर एक इतवार में नहीं हटे, तो यह इतने दिन के जो विरासत मिला है तो एक दिन में संभव नहीं है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो इसका प्रयास कैसे सफल होगा? प्रयास करेंगे, तमाम उद्योग धंधे खुल रहे हैं मऊगंज में, नईगढ़ी में, और यहाँ तमाम ये कटरा के पास जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, रीवा में भी हो रहा है, इस तरह से जब होंगे तो सब होगा। दूसरी, ये बाण सागर का पानी आ जाने से अब दुग्ध क्रांति आने वाली है गांव-गांव में। जहां पानी हो गया तो वहां लोग मवेशी रखेंगे, और मवेशी रखेंगे तो दूध होगा, तो अब गांव से देखिए कितना दूध आता है। हमने गांव में भी पूछा कितना दूध होता है, कहीं भयंकर दूध होने लगा है। तो एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है उससे लोगों को, इसी तरह से रोजगार मिलेंगे। और बाकी जो है, सरकार ने ये सही है कि पद बहुत सारे खाली हैं, भर्ती नहीं किया है, उनकी भर्ती होनी चाहिए ताकि और भी लोगों को काम मिल सके। जैसे सरकार अब निजीकरण की ओर जा रही है, तो क्या आपको लगता है ये सरकार का सही फैसला होगा? नहीं सर, निजीकरण का अगर सही ढंग से हो, कोई नियंत्रण हो उनके ऊपर, तब तो सही है, पर अगर उनके पूरा छोंप दिया जाएगा तो सब लोगों का शोषण करेंगे और केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य रहेगा, सरकार का उस पर प्रॉपर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार 5 साल तक ध्यान नहीं देती, अब चुनाव के 2 महीने बचते हैं तो कई लाभकारी योजनाएं चालू हो जाती हैं, सड़कें बनने लगती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लगती हैं, हर चीज़ पैदा हो जाती है, ऐसा इसका क्या है? कारण है? 5 साल पहले तक सरकार जो है तो अंदर रहती है, जब 2 महीने बचते हैं तो अपना कार्य दिखाती है। चुनाव के थोड़ा पहले थोड़ा विकास की गतिविधि और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन प्रयास 5 साल चलता है लगातार, लेकिन वो जनता की नज़र में तो 2 महीने बारात आने को होती है, 4-6 दिन पहले तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है, बाकी तो तैयारी तो सालों से चलती है। अगर हम यही तैयारी पहले कर दे तो स्थिति नहीं हो सकती है। लड़की की शादी जब होगी तो उसके 15 दिन पहले गतिविधि बढ़ जाएगी। तो क्या हम अंतिम 5 साल के 2 महीने में अपने काम के लिए तके बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है कि 5 साल के अंतिम में हुआ है, उसके सारे भी बहुत सारे काम पहले हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। वही कह रहे हैं, जैसे कि जब दीपावली पर्व आया तो तैयारी थोड़ा पहले से ज़्यादा सघन हो जाती है। जैसे अभी बीच में पूरा 5 साल बीत गया, हमारे रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री पद नहीं दिया गया, जब 1.5 महीने बचते हैं तब उनको मंत्री बनाया जाता गलत है, पर ये गलत है। तो ये क्या कारण ऐसा रहा जो उनको जब 2 महीने बचते हैं तब उनको मंत्री बनाया जाता ये, है? ये रीवा की उपेक्षा हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये हम नहीं जानते हैं, वजह जो जी। धन्यवाद।